ये गंगा नदी है, गंगा मैया का ये नदी है, और इस नदी में ये जल मैंने भरा, तो जल भरा इसलिए वो खाना बनाने के लिए ये जो गंगा मैया का गंगा मैया है, उस गंगा मैया का जल इस ड्राम में मैंने भरा तो खाना बनाने के लिए। एक्चुअली जो गंगा मैया का जो पानी है वो पानी से खाना बहुत ही टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्ट होता है। तो ये इसको पानी को कैसे आपको करना है, तो पहले ये गंगा पानी हम घर में ले जाएंगे, ये ड्राम में ले जाएंगे, पूरा रात इसको हम रख देंगे। रख के हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में ये जो ऊपर का जो जो मिट्टी है, मिट्टी नीचे में चला जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में जो क्लियर पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, वो वाटर को हम सब दाल बनाने में, आइस बनाने में, आटा गुलाने में हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट होगा। और ये कोई शुद्ध पानी है, बहुत सारे लोग पॉल्यूशन का कहता है जो गंगा नदी पॉल्यूशन है, तो ये पॉल्यूशन एक्चुअली नहीं है। और ये बह रहा है, बहता हुआ पानी में शुद्ध होता है। और इस पानी से बहुत सारे लोग बहुत सारे इधर में डिवोटी आता है, आकर इधर में नहाते हैं, पूजा करते हैं। तो अभी ये दूसरे घाट है, ये दूसरे घाट है वो जिससे मैंने पानी लाया, वो और एक घाट है वो पानी लाने के लिए। तो ये दूसरे घाट है, मैं अभी ये पहली बार है तो मैं स्नान करूँगा गंगा मैया। वो पहली बार तो मेरा लाइफ में पहली बार देखिए गंगा मैया जो है उसमें हम स्नान करेंगे, नदी में स्नान करेंगे। तो इस नदी में स्नान करने के लिए, तो इस नदी में एक नियम है, ये गंगा माता है, नदी नहीं, कोई कभी भी मत कहना नदी, तो ये गंगा मैया है। नदी में स्नान करने से पहले पाको मत, नदी में मत पहले नहीं देना, पहले माथे में देना है ये गंगा मैया का जो पवित्र जल है, उसके बाद प्रणाम करना है। प्रणाम कर लिया उसके बाद हमारे जो पैर है उसको भिगोना है, यही नियम है, स्पिरिचुअल नियम है। तो मैंने पहली बार है तो हाँ, सामने थोड़ा सा पत्थर है और ये थोड़ा सा इधर में मैं बैठ जाता हूँ। मेरे साथ ही मेरा भाभी का और जो लोकल रेसिडेंट में जो थोड़ा जो लोकल रेसिडेंट भी है वो भी इधर में आते हैं। ये जो साइड में बहुत सारे जो रेसिडेंट है वो सब आते हैं। अभी हम इसमें सूप देंगे, जय गंगा मैया बोल के। देखिए इधर में साइड में देखिए, जय गंगा ना नमस्ते।
हम ट्राई कर रहे लेकिन पहली बार है थोड़ा सा तो प्रैक्टिस नहीं किया तो ये नीचे में बहुत सारा पत्थर है तो कुछ तो रिक्स होगा Thank you.